मूवी की शुरुआत होती है साल 1970 में, जहां पर समर कैंप में बच्चे अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे थे और इन्हीं बच्चों के बीच मार्गरेट भी मौजूद थी, जो कि बाकी बच्चों के साथ ही समर कैंप को एंजॉय कर रही थी। समर कैंप के खत्म होने के बाद वो बच्चे बस में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो पड़ते हैं। इसके बाद वो बस सीधे न्यूयॉर्क आकर रुकती है, जहाँ पर सारे बच्चों के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। उन पेरेंट्स के बीच मार्गरेट की मॉम बारबेरा और दादी सिल्विया भी वहाँ पर उसे लेने के लिए आई थी। बस से उतरते ही मार्गरेट को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने एक नई कार खरीद ली और उसी कार में वो उसे पिकअप करने आए हुए थे। उसके बाद घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपने पिता हर्ब से मिलती है, लेकिन तभी बातों के बीच वो सोफे पर रखे हुए बॉक्सेस को देख लेती है और उसके पूछने पर पता चलता है कि हर्ब को अपने प्रमोशन के चलते न्यूयॉर्क छोड़कर न्यू जर्सी में शिफ्ट होना पड़ रहा है। ये न्यूज जानकर मार्गरेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद उसे अपना स्कूल और फ्रेंड्स दोनों के दोनों बदलने पड़ेंगे। लेकिन बारबेरा उसे समझाती है कि हर्ब के प्रमोशन के हो जाने की वजह से अब उसको आर्ट क्लास की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी और साथ में वो खाना बनाना भी सीख लेगी। कोई और रास्ता ना होने की वजह से मार्गरेट को दूसरी शहर में शिफ्ट होने के लिए मान नहीं पड़ता है। लेकिन रात को अपने रूम में पहुंचकर वो गॉड से विश मांगती है कि वो दूसरी सिटी में शिफ्ट नहीं होना चाहती, इसीलिए वो किसी तरह इस मूव आउट को होने से रोक दें और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम न्यू जर्सी एक बेहतर जगह निकले इतना हो। अगले दिन सिल्विया को अकेले न्यूयॉर्क में छोड़कर वो तीनों न्यू जर्सी के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद न्यू जर्सी पहुंचने के बाद मार्गरेट और बारबेरा अपने नए घर में सामान सेट कर ही रहे थे कि तभी उनकी डोर बेल बजती है। मार्गरेट दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि पड़ोस की उसकी उम्र की ही नैन्सी नाम की एक लड़की उसे खेलने के लिए बुलाने आई हुई थी, जो कि सेम क्लास और सेम रूम में इसकी क्लासमेट भी होने वाली थी। मार्गरेट बारबेरा से पूछने के बाद उसके साथ उसके घर पर खेलने के लिए चली जाती है। नैन्सी उसे सीधे अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर वो उसे अपना स्विम सूट भी पहनने के लिए देती है। लेकिन मार्गरेट की फ्लैट चेस्ट देखकर वो उसको बताती है कि उसकी चेस्ट तो काफी ग्रो हो रही है और उसे लगा था कि न्यूयॉर्क से आई लड़कियों की चेस्ट उससे भी ज्यादा ग्रो अप होगी। इसके बाद वो मार्गरेट से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के को किस किया है, एंड इस पर मार्गरेट उसे मना कर देती है कि उसने आज तक किसी भी लड़के को किस नहीं किया है। एंड नैन्सी उसे बताती है कि उसने भी किसी लड़के को किस नहीं किया, लेकिन उसने अपने फ्यूचर के लिए काफी प्रैक्टिस की हुई है। कहते हुए वो बेड के एक हिस्से पर उसे किस करके दिखाने लग जाती है कि देखो मैंने ऐसे प्रैक्टिस की है, और मार्गरेट ये सब देखकर हंस पड़ती है। एंड इसके बाद वो गार्डन में चली जाती है पानी के साथ खेलने के लिए कि तभी दो लड़के आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि नैन्सी का भाई इवान और उसका एक दोस्त मूस थे। नैन्सी किसी नॉर्मल बहन की तरह अपनी मॉम से अपने भाई की शिकायत करने चली जाती है और इतनी देर में मार्गरेट इवान और मूस के साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है। मूस आगे की गली में ही रहता था, लेकिन शायद वो थोड़ा गरीब था, इसीलिए वो मार्गरेट से उनके गार्डन की घास काटने के बारे में उसके डैड से बात करने को कह देता है। एंड वो कहता है कि मैं ना सस्ते में काट दूंगा। एंड कुछ बातें करके मार्गरेट को मूस काफी स्वीट सा लगने लगता है। इसके बाद जाते वक्त नैन्सी मार्गरेट से उसके सीक्रेट क्लब में शामिल होने के बारे में पूछती है, जिसमें पहले से ही तीन मेंबर मौजूद थे और साथ ही में ग्रुप में शामिल होने के लिए उसे वो जूतों के नीचे सॉक्स पहनने को मना कर देती है। इसके बाद घर जाकर मार्गरेट ये सोचने लगती है कि क्या मैं नैन्सी को पसंद आई होंगी। अगली सुबह मार्गरेट स्कूल के लिए तैयार हो गई थी और नैन्सी के कहे अनुसार उसने जूतों के नीचे सॉक्स नहीं पहनी। एंड साथ ही में हर्ब के ऑफिस जाने से पहले वो उसे घास काटने के बारे में भी पूछ लेती है, लेकिन हर्ब घास काटने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक मशीन ले आया था, जिसे चलाने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो उसने मूस को बोला मना कर देने कि वो उनसे घास नहीं कटाएगा। इसके बाद स्कूल में पहुंचकर मार्गरेट नैन्सी से मिलती है, जो कि उसे अपने ग्रुप में बाकी मेंबर जेनी और ग्रेचन से इंट्रोड्यूस कराती है। इसी बीच क्लास में फिलिप लेरॉय नाम का लड़का आ जाता है, जो कि लगभग क्लास की हर लड़की का क्रश था। उसके बाद क्लास में एक लंबी लड़की लॉरा डैनकर एंट्री लेती है, जिसे देखकर मार्गरेट को लगता है कि वो उसकी टीचर है। नैन्सी उसे बताती है कि लॉरा ना स्कूल के पीछे जाकर उसके भाई और मूस के साथ कुछ कुछ चीजें करती है। इसके बाद क्लास में उनके नए क्लास टीचर मिस्टर बेनडिक्ट की एंट्री होती है, जो कि सबसे पहले आकर सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सभी बच्चों को
उनकी फेवरेट चीज और एक ऐसी चीज के बारे में लिखने को देते हैं जिसे वो पसंद ना करते हों। इस बीच में नैन्सी मार्गरेट को उसके घर पर होने वाली सीक्रेट ग्रुप मीटिंग का इन्विटेशन दे देती है। वहाँ दूसरी तरफ बारबेरा घर का सामान सेट कर ही रही थी कि तभी उसके पास सिल्विया का कॉल आता है जो कि उससे मार्गरेट के बारे में पूछ रही थी। इतनी देर में मार्गरेट भी स्कूल से लौट आती है और उसके आते ही बारबेरा उसको फोन पकड़ा देती है। सिल्विया जिसको कि मार्गरेट की याद आ रही थी वो उसे अगले वीकेंड को अपने पास आकर एंजॉय करने के लिए पूछती है। मार्गरेट भी अपनी दादी को मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी इसीलिए वो भी उन्हें हाँ कर देती है। सिल्विया से बात करने के बाद मार्गरेट सीधे नैन्सी के घर के लिए निकल जाती है जहाँ पर ग्रुप मीटिंग के लिए जेनी और ग्रेचन भी आई थी। मार्गरेट के पहुंचने से पहले वो क्लास की लंबी लड़की लॉरा डेनकर का मजाक उड़ा रही थी। लॉरा डेनकर के बारे में बात करने के बाद नैन्सी उस ग्रुप में हुई सारी बातों को एक सीक्रेट रखने के बारे में कहती है और फिर साथ में वो चारों उस ग्रुप के कुछ रूल्स बना लेते हैं जैसे कि ग्रुप का मेंबर बने रहने के लिए इन सभी को एक ब्रा पहननी होगी और पहला पीरियड आने पर मेंबर को ग्रुप में बताना पड़ेगा जल्द से जल्द। एंड जेनी एक बॉय बुक बनाने का आइडिया देती है जिसमें वो अपने फेवरेट लड़कों के नाम लिख सकें। और फिर उसके बाद लास्ट में मार्गरेट भी एक रूल बोलती है कि उनको एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद रात को पता चलता है कि बारबेरा धीरे धीरे एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए कुकिंग करने का ट्राई कर रही थी। एंड इसके बाद मार्गरेट को वो गुड नाइट कहने के लिए वो उसके कमरे में जाती है एंड मौके पर चौका मारते हुए मार्गरेट अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे ना ब्रा चाहिए। मार्गरेट की बात सुनकर बारबेरा थोड़ी सरप्राइज हो जाती है लेकिन फिर भी वो उसको ब्रा दिलाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अगले दिन बारबेरा पीटीए के लिए मार्गरेट के स्कूल पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात नैन्सी की मॉम जैन से हो जाती है जो कि स्कूल की कमेटी की चेयरमैन थी। स्कूल की इस मीटिंग में वो अलग अलग कमिटीज के लिए वॉलंटियर मॉम्स को ढूंढ रही थी। बारबेरा इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो कैंपस इम्प्रूवमेंट कमिटी, सोशल कमिटी और फंड रेसिंग कमिटी समेत तीनों ही जगह अपना नाम रजिस्टर करा लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि क्लास टेस्ट लेने के बाद मिस्टर बेनेडिक्ट क्लास के सारे बच्चों को एक फुल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। एंड क्लास खत्म होने के बाद वो मार्गरेट को 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं। मिस्टर बेनेडिक्ट ने मार्गरेट को इसलिए रोका था क्योंकि उसने अपने इंट्रोडक्शन फॉर्म में आई हेट सेक्शन में रिलीजियस हॉलीडेज लिखा था। ऐसा उसने इसलिए लिखा था क्योंकि वो किसी भी रिलीजियस हॉलीडे को सेलिब्रेट नहीं करती थी। एंड इस बात का रीजन ये था कि इसके डैड एक जू थे और उसकी मॉम एक क्रिश्चियन और इनके दोनों पेरेंट उस पर कोई रिलीजन नहीं थोपना चाहते थे। वो चाहते थे कि मार्गरेट बिना किसी दबाव के आए और अपना रिलीजन चूज कर ले। एंड इसके साथ यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्गरेट कभी भी अपनी मदर साइड फैमिली से नहीं मिली थी। इस बात से सरप्राइज होकर मिस्टर बेनेडिक्ट उसके प्रोजेक्ट के लिए रिलीजन ही एज अ टॉपिक सजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद घर पर पहुंचते ही मार्गरेट बारबेरा से अपनी नाना नानी के बारे में पूछती है कि आखिर वो कभी उन लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं। इस पर इमोशनल होकर बारबेरा उसे बताती है कि हर्ब यानी तुम्हारे पापा एक जू थे और मेरे पेरेंट्स को ये चीज पसंद नहीं आई पर हम दोनों साथ रहना चाहते थे तो अंत में उन्होंने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा के साथ रहना चुना। इसके बाद बारबेरा मार्गरेट को ब्रा दिलाने के लिए शॉपिंग पर निकल पड़ती है लेकिन मार्गरेट का साइज काफी छोटा होने की वजह से शॉपकीपर उसे एक ग्रो ब्रा पहनने का सजेशन देती है जिसे ट्राई करने के बाद मार्गरेट खरीद लेती है। इसके बाद हर्ब नई मशीन के साथ गार्डन की घास काटने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी गलती की वजह से मशीन से उसका हाथ में चोट लग जाता है जिसकी वजह से उन्हें मूस को घास काटने के बुलाना ही पड़ता है। इसके बाद वो चारों फ्रेंड्स अपनी सीक्रेट मीटिंग के लिए मिलती हैं जहां पर वो चारों एक दूसरे को बॉय बुक के बारे में पूछते हैं। मार्गरेट के अलावा बाकी तीनों ने अपने बुक के अंदर फिलिप लेरॉय का नाम ही लिखा था लेकिन मार्गरेट ने उस बुक के अंदर मूस का नाम लिखा था। बट पीयर प्रेशर में आकर वो इन तीनों को बताती है कि उसने भी फिलिप लेरॉय का नाम ही लिखा है, मतलब वो अपने बनाए गए रूल को खुद ही तोड़ देती है। इसके बाद नैन्सी इन तीनों की ब्रा चेक करती है। यहाँ पर भी बाकी तीनों ने तो वही बेसिक ग्रो ब्रा पहनी हुई थी लेकिन नैन्सी बताती है कि उसने 32AA साइज वाली ब्रा हुई है इसीलिए वो उन तीनों को उनका चेस्ट साइज बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज भी कराने लग जाती है। एंड इसके बाद अपनी दादी से मिलने के लिए मार्गरेट पहली बार बस में अकेले ट्रैवल करने वाली थी इसीलिए खुद हर्ब और बारबेरा उसे बस तक छोड़ने आए हुए थे। मार्गरेट भी बस में जाते वक्त काफी नर्वस थी लेकिन बस में बैठी नंस को देखकर वो थोड़ा सेफ फील करती है। साथ में वो मन ही मन गॉड से कहती है कि लगता है अब उसका अपने लिए एक सूटेबल रिलीजन चुनने का वक्त आ गया है। इसके
बाद बस से उतरते ही सिल्विया उसे पिकअप करके सीधे उसके साथ प्ले देखने चली जाती है। अच्छी तरह प्ले को एंजॉय करने के बाद वो दोनों सो ही रहे होते हैं कि मार्गरेट उनसे एकदम कहती है कि कल वो उनके साथ मंदिर जाना चाहती है। ये बात सुनकर सिल्विया काफी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन वो दोनों मंदिर में अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। मार्गरेट को वहाँ के लोग और माहौल तो काफी पसंद आया था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई फीलिंग नहीं आई जो वो एग्जैक्टली फील करना चाहती थी वो। लेकिन मार्गरेट के वापस आने पर बारबेरा इस बात से काफी नाराज होती है कि उसे आखिर उससे बिना पूछे सिल्विया मंदिर कैसे लेकर जा सकती है, क्योंकि उसका मानना था कि एडल्ट होने पर मार्गरेट खुद अपना रिलीजन चुनेगी। इसके बाद बाकी कमिटी मेंबर्स के साथ बारबेरा स्कूल को रेनोवेट कराने की मीटिंग में बैठी हुई थी, जहां पर जैन सीलिंग को एक अलग इफेक्ट देने के लिए बहुत सारे स्टार्स लगाने का आइडिया सामने रखती है। और वहीं दूसरी तरफ डांस क्लास होने के बाद वो चारों दोस्तुनिया मार्गरेट के साथ आकर बायोलॉजी के बुक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखने लग जाती हैं। साथ में उन तीनों की जिद करने की वजह से मार्गरेट को अपने पिता की प्ले बॉय मैगजीन भी उठाकर लानी पड़ती है, और उस बुक में मौजूद मॉडल को देखने के बाद वो चारों गर्ल्स अपनी चेस्ट की साइज को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एंड इसके बाद मार्गरेट जेनी के साथ चर्च का एक्सपीरियंस लेने चली जाती है, जहां पर उसे कुछ फील नहीं होता अगेन, लेकिन वो वहां पर जाकर काफी एंजॉय करती है। देन क्रिसमस खत्म होने के बाद वो अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ को भी मूज से ही हटवा लेते हैं, और दूसरी तरफ बारबेरा बाकी लोगों के साथ अपने पेरेंट्स को भी एक न्यू ईयर कार्ड भेज देती है। और उन कार्ड्स को पोस्ट करते टाइम मेलमैन मार्गरेट को उनकी सारी पोस्ट दे जाता है, जिसमें से एक पोस्ट मार्गरेट के लिए भी आई थी, जो कि उसके ही क्लास के नॉर्मन फिशर नाम के लड़के का बर्थडे इन्विटेशन था। नैन्सी के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि नॉर्मन ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी क्लास को ही अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया है। इसके बाद वो चारों अपनी मॉम की मदद से अच्छे से तैयार होकर नॉर्मन की पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। नॉर्मन की पार्टी में बाकी सब किसी न किसी के साथ थे, लेकिन लॉरा डैंकर पार्टी में बिल्कुल अकेली थी। खाना खाने के बाद वो सब पार्टी गेम्स के तौर पर 2 मिनट एक बंद कमरे में नाम का गेम खेलते हैं, जिसमें कि चिट्स की मदद से कोई भी दो लोगों को अकेले में 2 मिनट बिताने थे एक कमरे में, जिसमें कि किस्मत से मार्गरेट का पार्टनर फिलिप लेरॉय बन जाता है, और अकेले में जाकर लेरॉय मार्गरेट को 3-4 बार किस भी कर देता है। पहली बार ये सब फील करके मार्गरेट काफी खुश होती है और ये बात नैन्सी को बताती है, और ये सुनकर नैन्सी को काफी जेलसी होती है। इसके बाद मार्गरेट दोबारा चर्च में जाती है, जहां पर आकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारबेरा रेनोवेशन के लिए बड़ी मेहनत से उन स्टार्स को काट रही थी और साथ में डोनेशंस के लिए लोगों को कॉल भी कर रही थी, लेकिन एक सुंदर बर्ड को देखकर उसके अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है और वो तुरंत अपनी ड्राइंग बनाने लग जाती है। लेकिन डोरबेल बजने की वजह से ड्राइंग पूरी होने से पहले ही बर्ड वहां से उड़ जाती है। दरवाजे पर सितारों को कलेक्ट करने के लिए जैन आई हुई थी, और वो उससे स्टार्स ले जाते वक्त एक और कमिटी के मेंबर का काम उसको चिपकाकर चली जाती है। बेचारी बारबेरा उसके भोलेपन का फायदा उठा रही थी वो। वहीं सीन बदलता है और यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स को स्कूल में वीडियो लेक्चर के जरिए उन्हें प्यूबर्टी के होने वाले जो बॉडी चेंजेस होते हैं वो समझाया जा रहा था, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। वीडियो देखते वक्त नैन्सी मार्गरेट को ताना मार देती है कि उसे तो सबसे लास्ट में पीरियड आने वाले हैं। इसके बाद मार्गरेट बारबेरा के साथ फर्नीचर की शॉपिंग पर आई हुई थी, और वो फर्नीचर देखते हुए अपनी मॉम से पूछ लेती है कि मॉम आपको फर्स्ट पीरियड कब आया था, जिस पर बारबेरा उसे बताती है कि उसे लगभग 14 साल की एज में पहली बार पीरियड्स आए थे। ये बात सुनकर मार्गरेट एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उसके लिए तो पीरियड्स आना एक कॉम्पिटिशन जैसा हो गया था। इसके बाद स्कूल के बाहर पढ़ाई करते वक्त नैन्सी बताती है कि उसके पास रेडियो सिटी के एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, इसीलिए वो अपने किसी फ्रेंड के साथ चलने के बारे में पूछती है, क्योंकि इसका भाई और मूज भी उनके साथ जा रहे हैं। मूज का नाम सुनते ही मार्गरेट साथ चलने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है, लेकिन इसी बीच ग्रेचन आकर बताती है कि उसे अपने पहले पीरियड आ चुके हैं। ये सुनकर उनके ग्रुप के तीनों मेंबर्स सीक्रेट मीटिंग के वक्त उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो बेबाक होकर अपने एक्सपीरियंस को उन तीनों के सामने बता देती है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को सुनकर इन तीनों को कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुई थी। इसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में गॉड से प्रे कर रही थी कि उसको भी जल्दी से पीरियड आ जाए, जिससे कि वो बाकी सब की तरह नॉर्मल और रेगुलर बन जाएगी।
हैं वो पीरियड्स की तैयारी करने के लिए जेनी के साथ जाकर सुपरमार्केट से सैनिटरी नैपकिन का पैकेट भी खरीद लाती है और घर जाकर इस सैनिटरी को पहनने की प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन इसके बाद नैन्सी मार्गरेट को बताती है कि उसे भी पीरियड्स आ चुके हैं और ये जानकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसीलिए वो थोड़ा चीयर अप होने के लिए अपनी दादी सिल्विया को फोन लगा देती है और उनके साथ अगले हफ्ते पहले की तरह मिलने के बारे में कहती है। लेकिन सिल्विया पहले ही फ्लोरिडा जाने का प्लान बना चुकी थी और उसे अब अचानक ध्यान आता है कि वो मार्गरेट को अपने पास सीधे फ्लोरिडा भी बुला सकती है। ये प्लान मार्गरेट को भी पसंद आता है और इसके लिए वो फट से तैयार हो जाती है। इसके बाद अगले दिन वो नैन्सी के साथ कार में बैठकर रेडियो सिटी के लिए निकल पड़ती है। रेडियो सिटी की फ्रंट रो सीट्स पर शो को एंजॉय करने के बाद वो नैन्सी की फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठ जाती है, जहाँ पर वो मूस की कंपनी को काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी नैन्सी उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ पर टॉयलेट करते करते अचानक नैन्सी अपनी मॉम को बुलाने को कहती है और उनके आने पर पता चलता है कि नैन्सी को अपने पीरियड्स आ चुके हैं। साथ ही में नैन्सी की मॉम से पूछने पर मार्गरेट को पता चलता है कि ये नैन्सी के पहले पीरियड्स थे, मतलब नैन्सी ने पहले अपने पीरियड्स के बारे में मार्गरेट को झूठ बोला था। नैन्सी वॉशरूम से निकलने के बाद काफी शर्मिंदा थी और मार्गरेट भी पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं करती। इसके बाद मार्गरेट की फ्लोरिडा जाने की फ्लाइट टिकट भी बुक हो जाती है और अपने बर्थडे के दिन वो स्कूल पहुंचती है, जहां पर जेनी उसे बर्थडे विश भी करती है और लेरॉय उसे बर्थडे विश के नाम पर उसे एक पिंच कर लेता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। साथ ही में स्कूल में डिफरेंट कंट्रीज की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। मार्गरेट के ग्रुप में लेरॉय, नॉर्मन और लॉरा डेनकर शामिल थे। इसके बाद चार लोगों के काम को लाइब्रेरी में बैठकर लॉरा और मार्गरेट को अकेले करना पड़ रहा था। लेकिन यही काम करते हुए छोटी सी बात पर उन दोनों में कहासुनी हो जाती है और इसी कहासुनी के बीच मार्गरेट उस पर बिना सोचे समझे पर्सनल कमेंट कर देती है कि वो स्कूल के पीछे क्या क्या करती है उसे सब पता है। और लॉरा ये सुनकर फौरन समझ जाती है कि सब नैन्सी और उसके ग्रुप के द्वारा फैलाई गई बातें हैं। लेकिन उसको सब पता था कि नैन्सी और उसके दोस्त उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं और इन बातों से परेशान होकर वो वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन मार्गरेट के रोकने पर वो बताती है कि क्लास में सबसे बड़ा बच्चा होना कितना ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें पता है, आई नो वेरी वेल कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लॉरा की बातें सुनकर मार्गरेट को अंदर ही अंदर सेल्फ गिल्ट होता है और अब वो नैन्सी जैसा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो तो नैन्सी की दोस्त भी नहीं बने रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बारबेरा के पास उसके पेरेंट्स का लेटर आ चुका था, जिसमें वो अब सब कुछ भूल कर अपनी बेटी और पोती से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो अगले हफ्ते उनसे मिलने आने वाले थे। लेकिन ये बात हर्ब हजम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक एक ज्यू से शादी करने की वजह से वो नर्क में जाने वाले थे ना। लेकिन बारबेरा उन्हें दिखाना चाहती थी कि हर्ब के साथ रहने का उसका फैसला एकदम ठीक था। बट मार्गरेट को घर पर आते ही पता चलता है कि उसकी दादी के साथ फ्लोरिडा की ट्रिप उसके नाना नानी के आने की वजह से कैंसिल होने वाली थी, इसीलिए वो ये बात जल्दी से फोन करके सिल्विया को भी बता देती है। मार्गरेट मन ही मन गॉड से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा कर दें जिससे कि उसकी ट्रिप कैंसिल ना हो। इसके बाद मार्गरेट अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी होकर अपने नाना नानी के आने का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट से आने के बाद मार्गरेट उन दोनों को उनके रूम में ले जाती है और बारबेरा डिनर की तैयारी करने लगती है। हर्ब भी उनके सामने रिलेवेंट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक सिल्विया भी वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहां पर आ जाती है। सिल्विया को देखकर मार्गरेट काफी खुश हो जाती है। बारबेरा को भी सिल्विया को अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। इसके बाद सबके सब डिनर के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। बारबेरा के हाथ का बना खाना सभी को काफी पसंद आता है, मतलब उसकी जो कुकिंग है वो काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। डिनर के बाद नाना नानी मतलब पॉल और मैरी मार्गरेट से क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन उनकी ये बात सुनकर सिल्विया सीधे अनाउंसमेंट कर देती है कि मार्गरेट एक ज्यू है। इस बात को सुनकर दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और बारबेरा और हर्ब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अडल्ट होने से पहले मार्गरेट पर कोई भी रिलीजन जबरदस्ती थोपा जाए, और इन सब लड़ाइयों के चक्कर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को वहां से सेम डे वापस जाना पड़ता है। लेकिन इस इंसिडेंट से मार्गरेट के पास गलत मैसेज जाता है कि रिलीजन लोगों को लड़ना सिखाता है, और अपना ये फुल ईयर प्रोजेक्ट वो मिस्टर बेनेडिक्ट को सबमिट कर देती है। इसके बाद स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फोटो खिंचाने के बाद वो मिस्टर बेनेडिक्ट को बताती है कि वो एक बहुत अच्छे टीचर है। साथ ही में वो लॉरा को भी अपने साथ डांस के लिए बुला लेती है और
उन्हें डांस करता देख जेनी भी उनके साथ डांस करने आ जाती है। लेकिन नैन्सी ये देखकर कहीं ना कहीं अंदर से शर्मिंदा थी। साथ ही में बारबेरा ने अपने दिल की सुनकर फिर से अपनी आर्ट क्लास शुरू कर दी थी और वो मिसेस जैन से भी किसी भी तरह का कमेटी का काम करने को मना कर देती है। इसके साथ ही मार्गरेट स्कूल के समर कैंप पर निकलने से पहले मूस को उसके गार्डन वाले घास कटाई के पैसे दे देती है और वापस आने पर उसके साथ वक्त बिताने का वादा भी करती है। इसके बाद एंड में मार्गरेट को अपना पहला पीरियड आ जाता है। शायद वो पहली लड़की थी जो कि पीरियड आने पर इतना ज्यादा खुश थी। मार्गरेट सब चीजों के लिए एंड में गॉड को थैंक्स कहती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।